जब उन्होंने बोला, तो फिर अली अमीन गंडापुर अपने लीडर की बात माने बगैर कैसे गायब हो गए कि, और आके उन्होंने बताया भी नहीं। उनके कारकुन इसलिए कंफ्यूज हैं, पीटीआई के खुद लोग कंफ्यूज हैं कि उन्होंने सही कहा, आंसर बाहर निकल के नहीं दिया, ये बताएं। चाह रही है मैं कुछ नहीं चाह रही, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप जो इतना ज्यादा कन्विंस कर रहे हैं कि वो पहुंचा तो सही, वो काफला तो लेके पहुंचा, डी चौक नहीं पहुंचा, मगर वहां पे पहुंचा दूसरी शहर में। सुनीना जी, आप किसी को जी बोलते नहीं है, बात करने दिया करें, जी आपकी एक आदत है, आप ओवरलैप करती है। देखिए मैं बात क्या क्या मतलब, दो लो, आपका सवाल का मैं सिर्फ आपको आंसर देना चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको बता सकूं। मैं पूछ क्या रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं, मेन मतलब ये नहीं। आपको अच्छा बुरा लगेगा, आप बात रहे, आप जैदी भाई की बात पे बीच में बोलते हैं, मैं आपसे सवाल कुछ करती हूँ, आप बता कुछ रहे, सवाल गन जवाब चना। हाँ बोले 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 बोले, क्या बदतमीजी पे ना करें, बदतमीजी ना करें, लफ्जों का चुनाव सही से अदा करें। एक शो में आए, बड़े शो में, दुनिया देख रही है इसको, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, घर में बैठ के शो नहीं चल रहा। जी एक बात सुने, मैंने जब जुम्मे फ्राइडे को शो किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अली अमीन गंडापुर पे हेलीकॉप्टर से फायरिंग हो रही है, मोहसिन नकवी साहब हेलीकॉप्टर से शेल फेंक रहे हैं, तो अली अमीन गंडापुर ने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद वो बीच में सड़क पे उतरे और उन्होंने कहा छुपके ना मारो, मेरे सामने मुझे चलाओ मारो गोली। तो फिर जब उन्होंने इतना हिम्मत और हौसला दिखाया था तो अचानक क्यों नहीं पहुंचे, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। हैरत है, आपने जुम्मे का फ्राइडे को मैंने खुद आके एक दफा नहीं बल्कि 3 दफा ये बात मेंशन की। था उसको, उसके सामने, पब्लिक के सामने वो गिरफ्तार नहीं होना चाहता था, उसने अपना काम कर दिया था, निकल गया वो करके काम, गिरफ्तारी के वारंट से उसके पब्लिक के सामने गिरफ्तार करने का मतलब चले, आपकी बात को जरा दूसरे कॉलर से भी पूछते हैं कि ये जो बता रहे हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है। गिरफ्तारी होती ना, इतने लोगों में गिरफ्तारी होती तो खून खराब हो सकता था वहां पे, बड़ा उसने अकलमंदी का काम किया कि निकल गया वहां से, यानी कि वो भाग गया कहना चाहिए, ये कहें आप। मैं कह रहा हूँ उसने सियासत से काम लिया वरना खून खराब होता, 50 लाख आदमी के दरमियान आप आदमी लीडर को अगवा करेंगे तो उनके पास असला था, असला था, वो लेकर आए हुए थे असला, वो छुप जाते असला, आराम से बढ़ जाएगी उनको, उनका असला चल जाता था, क्या फायदा। अभी एक पुलिस वाला हार्ट अटैक से मर गया है तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है कि भाई उसको तशद्दुद करके मारा है, तो ये कितने भी इल्जाम लगा देते फिर सुसे आ आप कह रहे हैं कि बोले नहीं, सुने मेरी बात, आप कह रहे हैं आप कहाँ चले गए, आप जब सुन रही है पूरी आवाम सुन रही है, आप आवाम को सुना रहे हैं, पब्लिक को सुना रहे हैं, जब सुन रहे हैं तो आप कह रहे हैं कहाँ चले गए, आप सुनाएं अपनी मैं बात आपसे पूरी की यही पूरी। कह रहा हूँ समीना जी, अगर मैं आपके स्टूडियो में आके आपको पकड़ूंगा 10 आदमी मेरे साथ रेसिस्टेंस करेंगे, लेकिन आप जहाँ रोड पर आएंगे मैं आपको पकड़ूंगा, आपके साथ कोई नहीं होगा, आप बात को समझ ही नहीं है। मैं आपकी बात को 100% समझ गई, अभी मैंने मुझे देखना है कि दूसरे लोग क्या समझे आपकी बात को। जी चौधरी साहब बताएं, आप समझ गए इनकी बात को या नहीं समझे, क्या ये सिर्फ चीख रहे थे, इनकी बात समझ में नहीं आई। जी तो बात ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने अपना काम कर दिया, वो भागा नहीं था, बल्कि वो खुद अरेस्ट नहीं होना चाहता था, उसको पहले ही पता चल गया था, वो अगर सड़क पे वो लोगों के सामने अरेस्ट होता तो खून खराब होता, तो वो इसीलिए वो चला गया। इनकी बात आप समझे, अब इनकी बात से आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है, आपके पास क्या तजिया, अपना दें, अपना दीजिएगा तजिया, इनके ऊपर नहीं जाइएगा। जी कुमार बन गए, वो इंडियन फिल्म की स्टोरी उन्होंने पेश की, वो जंगल में चले गए और जंगल से छलांग लगा दी और रोड पे चले गए, रोड पे पत्थर मार के गाड़ी, इन्होंने मूवी बना दी पूरी। हाँ तो ये सब कहानी कर रहे हैं, देखो ये सब सैयद साहब जज्बाती हैं, इनको आराम से चाहिए, अपनी सरकारी ख्याल करें, इस तरह बात ना करें, और ये सब जानेबाजी है समझे। और दूसरी बात ये कि वो जो आपके प्रोग्राम में एक प्रेडिक्शन की गई थी कि जनाब वो मंडे को जो है वजीर आला नहीं रहेंगे, चौधरी साहब बात कर रहे हैं, चौधरी साहब, चौधरी साहब की आवाज को क्या हो गया, पराठा खा के आए हो क्या आज, चौधरी साहब की आवाज सही आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों। चौधरी साहब की आवाज यार इतनी दूर से इस्लामाबाद से ऐसी आई ना, तो बात यह है देखिए प्रेडिक्शन जो है, प्रेडिक्शन जो है आपके सामने आ गई है कि जनाब गंडापुर जो है वजीर आला नहीं रहा है आज। धन्यवाद।